करार दिया अंपायर ने। मुख्तसर से रन के साथ भी अनवर अली खान का खासा तेज बॉल, नॉर्मल स्टैंडिंग हाइट पर अगर शोल्डर से ऊपर गेंद जाए तो उसको वाइड करार दिया जाता है। हमारे आज के ऑफिशियल जनाब रियाजुद्दीन और मोहम्मद रिहान, अच्छा कंट्रोल किया डाउन रखने में लेकिन मिडिल नहीं कर सके, बॉटम ऑफ द गैप पर लगा। खासे तेज बॉलर है, खासे मजबूत शोल्डर अनवर अली खान के और छोटे से रन के साथ भी खासे एफर्ट से शॉर्ट बॉल करते हैं। खूबसूरत पहुंचा बैकफुट पर आते हुए, पूरी तरह एग्रेसिवली खेलते हुए वाइड मिड विकेट की जानब चौका, जो कि इस बात की निशानी है कि अर्ली कंटैक्ट किया उन्होंने, जल्दी नजर आया गेंद, गालबंद तैयार थे एग्रेसिव रिएक्शन के लिए अनवर अली खान के, वाइड मिड विकेट पर एक दिलकश चौका। अदनान बेग का दूसरे ओवर में चौथा चौका, जहाना पास बार वाला रिएक्शन, न सिर्फ बाउंसर जानदार किया बल्कि घूर कर भी देखा अनवर अली खान ने, टिपिकल एग्रेसिव रिएक्शन अपने फास्ट बॉलर। तो दो फील्डर दायरे से बाहर तैनात होते हैं पहले छह ओवर में इसलिए बॉलर के लिए। उससे बात कर लो बस, ठीक है, जो भी चीज है और जो बयान व्यान को लेना है उसकी फैमिली का वो ले लेगा। करने की कोशिश अनवर अली खान की, हुक शॉट डीप फाइन लेग गेम शॉट फाइन लेग पर खड़े खुर्रम मंजूर ने पूरी तरह छलांग लगाई हवा में, एक हाथ बुलंद किया लेकिन फिर भी छह इंच ऊपर से गेंद एक तेज हुक शॉट की सूरत में एक और उम्दा चौका। 20 रन बनाए हैं अदनान बेग ने और 20 के 20 बाउंड्रीज में, दूसरा ओवर जारी, पांच चौके लगा चुके। और मिस डायरेक्टेड डिलीवरी, फुल लेंथ गेंद पर स्विंग का इम्कान भी होता है इसलिए लेग स्टंप लाइन वाला गेंद लेग स्टंप के मजीद बाहर चला गया। यॉर्कर करने की कोशिश अभी तक एक्यूरेट साबित नहीं हुई, दूसरा यॉर्कर का इस अटेम्प्ट में। उनका ड्राइव, बेहतरीन फील्डिंग, अपने दाएं जानब जाते हुए तेज शॉट को इत्मीनान के साथ पकड़ा मिड ऑफ के फील्डर ने। दो अच्छी दो बेहतरीन दो मल्टी में इस फाइनल में एक बेहतरीन मैच खेलते हुए आगा खान जिमखाना ग्राउंड पर, दो ओवर के इख्तिताम पर मजमू स्कोर 26। कप्तान खुद अपनी कैप उतार चुके, तीसरे ओवर में तीसरा बॉलर उतारे, खासा प्रेशर डाल दिया है अदनान बेग की जालिहाना और दिलकश बैटिंग ने, बिल्कुल भी खौफजदा नजर नहीं आए शॉर्ट स्टंप से और उमदगी के रोल पुल और हुक शॉट्स खेले। अच्छा बेहतरीन लेंथ पर गेंद उमदा फ्लाइट के साथ अदनान का, पूरे तमाम डिफेंसिव स्ट्रोक बैट्समैन का, एक और स्वीप शॉट मिडिल में लिया है इस मरतबा स्क्वायर लेग अंपायर की टांगों के नीचे, आगे गिरा हुआ गेंद पूरी तरह बैकफुट पर अपनी बैक को आर्च बनाते हुए खूबसूरत ड्राइव, लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव चार रन के लिए। आगे गिरा हुआ गेंद थोड़ा सा ऑन दी अप खेला उन्होंने, बिल्कुल भाव वाली नहीं था लेकिन एग्रेसिव इंटेंशन थी और बेस्ट एग्जीक्यूशन। कंट्रोल नहीं कर सके पूरी तरह बॉल शॉट को, एक रन फराज अहमद खान, खासे मुस्तैद फील्डर हैं और लेफ्ट हैंडर
थ्रो भी खासी तेज करते हैं, एक ही रन बनाने का मौका। जुल्फार बी खान और उनकी पूरी टीम एक बेहतरीन इवेंट हर साल लेकर आती है, इस साल भी ये यादगार मेला अपने इख्तितामी शो के दूसरे और आखिरी मरले में। वेरिएशन बॉल बैकफुट पर आकर लॉन्ग ऑन की जाने निकाला, मिड ऑन के फील्डर अपने दाएं जाने वाले। चवालीस रन बन चुके, चौथा ओवर जारी। खुद को भी बचाते हुए कंट्रोल के साथ हुक शॉट खेला, हेड को पहले थोड़ा सा डाउन किया, गलबन डबल माइंडेड हुए, लेकिन उसके बाद हुक शॉट कामयाबी से डाउनवर्ड्स खेला है। स्लो बाउंसर, खासा टिप हुआ सरफराज अहमद के हाथों में जाने से पहले। 4 ओवर मुकम्मल 45 मजमूई स्कोर बगैर किसी नुकसान के, एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म उमर एसोसिएट्स, जो कि जैसा कि इनके मैनेजर आजम खान बता रहे थे कि 2 सालों में सिर्फ 2 मैच आ रहे हैं, 45 इज द टोटल। एक बेहतरीन एक शानदार टीम उमर एसोसिएट्स, जो कि असगर अली शाह स्टेडियम में फाइनल मैच जारी इस साल और पिछले साल सिर्फ एक राउंड मैच जारी, और इस सीजन में भी एक बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हुए, जबकि मौका है उनको तीसरी शिकस्त से दो चार करने का, एक बेहतरीन मौका टपाल के पास। एक बेहतरीन बैटिंग ट्रैक है ये, यहाँ पर मैचेस में बहुत ही शानदार बैटिंग के मुजाहरे देखने को मिले। मोहम्मद समी बैटिंग में भी इस साल इन्होंने खूब नाम बनाया है, बहुत ही जबरदस्त ऑल राउंड परफॉर्मेंसेज, लेकिन अब कप्तान ने गेंद थमाई है इनके हाथ में, देखते हैं अपनी तेज रफ्तार से क्या कमाल दिखाते हैं आज के मैच में। एक नया मैच, एक नया वेन्यू और मोहम्मद समी बॉल के लिए तैयार। एक टांग पर अपना बैलेंस बरकरार रखते हुए सीधे बल्ले के साथ एक खूबसूरत शॉट, लॉफ्टेड लेग ग्लांस, समय की पेस को ही उनके खिलाफ इस्तेमाल कर दिया बैट्समैन ने। पेस इतनी ज्यादा है समय की, इंदर इतने तेज हैं कि हल्की सी डिफ्लेक्शन दूर जाती है। अच्छी लेंथ पर वापसी, बैकफुट पर डिफेंसिव स्ट्रोक खेलना पड़ा, लेकिन उमदा प्लेसिंग, सॉफ्ट बॉटम हैंड से खेले ताकि सिंगल रन बनाने का मौका रहे। अच्छी बैटिंग दोनों ओपनर्स की जाने से, आज के मैच में एक बड़ा हदफ, एक को हमारी असर करना है उनको। 184 रन बोर्ड पर पोस्ट किए हैं उमर एसोसिएट्स ने, और उनके पास खासे नामवर बॉलर की एक कतार मौजूद है, देखते हैं किस तरह ये फाइनल मैच अपने इख्तितामी मराहिल की जाने बढ़ता है। दिलचस्प एक शानदार मैच जारी, जोरदार अंदाज से स्टेडियम से बाहर फेंकना चाहते थे गेंद को, लेकिन टू मच एग्रेशन, गेंद गुड लेंथ पर आप सबके बाहर, इस स्ट्रोक के लिए मौजूद नहीं था। एग्रेसिव इंटेंट है, T20 का फॉर्मेट ही ऐसा है कि बैट्समैन मुसलसल एग्रेसिव इंटेंट कायम रखता है, क्योंकि बड़ा टोटल है, इसलिए दिलचस्प खेल जारी। इस मरतबा कवर्स की जाने अदनान कलीम मुस्तैद हैं, बैक पीछे बैकअप पर कोई फील्डर होता तो यकीनन थ्रो करते, लेकिन अकलमंदी का मुजाहरा कप्तान की जानब से, समी फॉलो थ्रू में आगे जा चुके थे। नंबर मैंने साइन कर दिया, कॉल नहीं कर दिया था। पॉइंट की जाने कट शॉट,
मिडाउन पर फील्डर मौजूद हैं, इसलिए अनवर अली ने इसमें बात थ्रो कर दिया। मिड विकेट पर फील्डर नहीं थे, इसलिए अदनान ने थ्रो नहीं किया। अच्छा प्रोफेशनलिज्म उमर एसोसिएट्स का, वह डिफरेंस जो दोनों टीमों में बहुत ही ट्रू प्रोफेशनल पर मुश्तमिल ये दस्ता उमर एसोसिएट्स का। खूबसूरत शॉट बैकफुट पर, दोनों पंजों पर हवा में बुलंद होते हुए, उमदा बैकफुट कवर ड्राइव सीधे बल्ले के साथ खेला गया है, दिलकश स्ट्रोक, बेहतरीन पावर डिस्प्ले बैट्समैन की जानिब से। चार रन का इशारा अंपायर रियाजुद्दीन की जानिब से, पांच ओवर मुकम्मल, 54 रन 54। 10 की औसत से रन बनाए हैं और 10 की 10 विकेटें महफूज। वेल प्लेड टपाल ओपनर्स, एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म तश्कील दे दिया है उन्हें। देखना होगा आखिरी लम्हात में प्रेशर और क्रंच सिचुएशन में कौन सी टीम अपने असाब पर काबू रखती है। फिलहाल एक बेहतर आगाज टपाल का। अंपायर के शहनशाह रियाजुद्दीन, जिनकी ताजपोशी की गई, 54 है रन स्कोर, 54 स्कोरबोर्ड पर। लेफ्ट लेग को क्लियर कर लिया था, अग्रेसिव स्ट्रोक खेलने की पोजीशन में आ चुके थे, लेकिन अच्छी बॉल अनवर अली की, आखिरी लम्हे में दिफाई स्ट्रोक खेलना पड़ा बैट्समैन को। 54 54 रन ये ओवर के बाद। अच्छे कंट्रोल के साथ मिड विकेट की जाने खेले, कप्तान खुद मौजूद, थोड़ी सी फंबलिंग, लेकिन तेज रो है इनकी, कोई दूसरा रन लेने का कोई मौका नहीं। सरफराज अहमद फौरी तौर पर रिलीज करने का मशवरा देते हुए, गेंद अच्छा मशवरा, बहुत ही बड़ा वाइड बॉल, बहुत उम्दगी से रोका सरफराज ने, खासा मिसडायरेक्टेड बॉल था, फुल स्ट्रेच डाइव करना पड़ी सरफराज को, गेंद उनसे चूक जाती तो 4 रन बल्कि 5 रन यकीनी थे, लेकिन उम्दा विकेट कीपर सरफराज अहमद की जाने से। अच्छा तेज बॉडी की जाने बता हुआ गेंद, बैकफुट पर डिफाई स्ट्रोक खेलना पड़ा बैट्समैन को, उमदा लेंथ अनवर अली की, खासा शार्प बॉल था ये। सत्ताईसवां आगा खान जिम खाना रमजान फेस्टिवल क्रिकेट टूर्नामेंट 2014, जिसका एक शानदार ग्रैंड फाइनल मैच आज आगा खान जिम खाना के बेहतरीन ग्राउंड पर खेला जा रहा है। असर रिसीव किया इस मरतबा भी उन्होंने अपने वेरिएशन शॉर्ट डिलीवरी से, असर लेट आया गेंद, अच्छा स्पेल अनवर अली की जाने से, बहुत ही मुख्तसर से स्टार्ट से अच्छी बॉलिंग। पूरी तरह कंट्रोल किया, लेकिन फराज अहमद खान एक मुस्तैद और चौकस फील्डर हैं, स्लाइड करते हुए उन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज से गेंद को फील्ड किया और कोई भी मौका फराहम नहीं किया दूसरे रन के लिए। 2 फील्डर पीछे पोस्टेड हैं शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल के लिए, ताकि वाइड मिड विकेट और डीप स्क्वायर लेग दोनों जाने बाउंड्री न लग सके। और तेज गेंद, इस मरतबा बेहतर कंट्रोल, लेकिन फराज अहमद मुस्तैद और चाको चौबन डाइव करके उन्होंने गेंद को रोका, थोड़ा सा फंबल भी हुआ लेकिन उमदा फील्डिंग। इस तरह 6 ओवर मुकम्मल हो चुके, 62 मजमूई स्कोर। इरफान सुरानी 62 मजमूई स्कोर, और मैं अपने साथी कमेंटेटर जनाब इरफान सुरानी साहब को अब माइक हवाले करता हूँ। निशाना
भेज दिया होता थे खेला, एक रन बनाया, दूसरा रन भी बनाना चाहते थे रतन लेकिन हमने बना दिया बहुत ही उनका फील्डिंग तो गतिशाल नीचे स्कोर नहीं कर पाया इजाफा स्कोर बढ़ता हुआ 83 रन तैयार
सामने से बच्चे जा रहे थे। 48 तो आजम खान की इसको
भाई चैंपियन दूसरे तौर पर दिलचस्प विचार अनुहान देखा ग्राउंड पर जारी है। दोनों टीम वापस करती है इस टूर्नामेंट के फाइनल को खत्म होते ही काफी निशाना के साथ साथ आरोप निशाना का क्रिकेट बाप के एक साल के लिए बंद हो जाएगा और इन शाला दूसरे को नहीं पाऊंगा साल क्रिकेट टूर्नामेंट के साथ तमाम टीमें यहाँ पर मौजूद होंगी। राजू जी बहुत ज्यादा रहते पूरे ग्राउंड का काउंटर उनके हाथ में मुख्य होता है अंपायरिंग करने का राजू जी का और निशाना में भी पहले ही स्टाइल होता है पूरे ग्राउंड का ज्यादा लेते हैं देखते हैं कौन कहाँ पर बैठे हैं चैंपियन कितने आए हुए हैं टीमों के सपोर्टर्स कहाँ पर बैठे हैं उसकी बारी नजर है राजू जी की क्रिकेट के खेल में। बार बार कपाल की कार्यकर्मी का यहाँ पर बताते हुए 1992 की यात्रा जब की थी कपाल क्रिकेट क्लब ने आज अभी आपके लिए बड़ी आम बोल गया हूँ कपाल क्रिकेट क्लब लीग में पहले दोनों मैच हार चुकी थी और आखिरी मैच उसे आखिर जीता था बल्कि अपना रन ऑफर भी इम्प्रूव करना था क्वालिफाई करने के लिए मैच भी जीते कपाल रन ऑफर को भी इम्प्रूव किया और जंप किया सीधा और फाइनल में एक मैच जीतने के बाद आज दिखाई चैंपियन फाइनल खेलती थी जबरदस्त फॉर्म में इस टूर्नामेंट का इसका तमाम का चेहरा के ऑर्गेनाइजर जितेंद्र अभिमान के साथ जाता है जिन्होंने बड़े शानदार अंदाज से इस टूर्नामेंट के फॉर्मेट को तरतीब दिया। जरूर रेफर करते हम भी नहीं आए थे सर